एसएससी ने साल 2024 का अपना पहला नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 जारी कर दिया है रात को 2 बजे। वैसे तो नोटिफिकेशन आना था 1 फरवरी को, लेकिन पूरे 26 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आया है 26 फरवरी को दिन दहाड़े आधी रात को 2 बजे, ठीक है भाई साहब। और 2049 के आसपास इसमें वैकेंसी है। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। इस एग्जाम का सिलेबस वही है जो एसएससी के बाकी एग्जाम का होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। मेरे दोस्तों, 3 लेवल पे पेपर लिया जाता है, मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। मेरे दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 200 से भी ज्यादा पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन होता है भाई। लेकिन हर पोस्ट पे एक एक दो दो तीन तीन वैकेंसी, ऐसे ही नाम मात्र को वैकेंसी होती है। टोटल 2049 वैकेंसी इस बार हैं और उसमें आधी वैकेंसी 1028 के आसपास वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ये नोटिफिकेशन एसएससी ने अपनी नई नवेली वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया है, जिसका पोर्टल अभी बहुत ही बेकार है और उसमें सुधार करने की एसएससी को बहुत ज्यादा जरूरत है। हर बच्चे को, जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा एसएससी के आने वाले जमाने में, वो इस वेबसाइट पर, ये लिखा हुआ है ना ssc.gov.in, इस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर ले और उसको याद रखे, जिससे आगे वाले सारे फॉर्म उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके भरे जाएंगे। एसएससी की जो पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in, वो धीरे धीरे जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कल ये नोटिफिकेशन आधी रात को जारी किया है जब दुनिया सो रही थी, ठीक है भाई। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक, यानी कि आपके पास लगभग फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का समय है, जो कि जनरली 1 महीने का समय होता है, ठीक है भाई। इसके बाद एसएससी ने एक बढ़िया सुविधा भी की है, पहले कुछ समय पहले तो ये थी भी नहीं, कि अगर कोई बच्चा अपने फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देता है, नाम में, पिताजी के नाम में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी जानकारी में या फोटो में, तो उसको सुधार सकता है। उसके लिए मेरे दोस्तों यहां पे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो फॉर्म करेक्शन की एक विंडो ओपन होगी जो कि 22 मार्च से ओपन होगी 24 मार्च तक, 3 दिन के लिए मेरे दोस्तों। इसमें आप अपने फॉर्म में किसी भी एरर को ठीक कर सकते हैं। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एसएससी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादातर जितने भी एग्जाम है यूपीएससी को छोड़ के, वो सब कंप्यूटर बेस्ड ही हैं। और इसकी जो टेंटेटिव डेट रखी है उन्होंने मई के महीने में रखी है, 6 से 8 मई 2024 टेंटेटिवली, ठीक है भाई। सिलेक्शन पोस्ट के बाद इस एसएससी का शायद इस साल का पहला पेपर होगा मई से। इसके बाद नोटिफिकेशन आना है सीपीओ के पेपर का, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस का, बाकी एसएससी की मर्जी। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी होती है, कोई परेशानी होती है या बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ठीक है भाई, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, एसएससी ने दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा जी, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। गवर्नमेंट कह रही है लड़के बदमाश होते हैं, हम गुजारिश करेंगे कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें, अप्लाई करें, हम उनको वरीयता देंगे, ठीक है जी। लड़कों देखो, तुम्हारी इज्जत यहां शुरू की 2 लाइन में भी खत्म हो गई है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन देखो, 200 पेज का नोटिफिकेशन है, पढ़ने का कोई फायदा है नहीं ज्यादा, जितनी मोटी मोटी जानकारी है जो इसमें चेंज हुए मैं वो आपको बता दूंगा। कट कॉपी पेस्ट है नोटिफिकेशन में, ये पूरा नोटिफिकेशन की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, जो बहुत ठलवा आदमी है वहां से पढ़ सकता है। डिटेल जो पोस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट आर गिवन, ये एनेक्सर थर्ड, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, नोटिस एग्जामिनेशन के एनेक्सर थर्ड में सभी पोस्ट की डिटेल दी गई है। डायरेक्ट लिंक फॉर पोस्ट डिटेल इज अवेलेबल एट कैंडिडेट पोर्टल विच कैन बी सीन बाई लॉगिंग इन टू, ये नई वेबसाइट ssc.government.in। पहले आपको कैंडिडेट के डैशबोर्ड में जाना है, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाना है, फिर वहां पर फेस 12 के सिलेक्शन पोस्ट में जाना है, फिर पोस्ट डिटेल्स लिंक, सारी पोस्ट का आपको वहां पर लिंक्स मिल जाएगा जो जो आपको करना है। अच्छा मेरे दोस्तों, हालांकि इस नोटिफिकेशन में कहीं भी 2049 वैकेंसी का जिक्र हमें नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पे
या एक वेबसाइट है सरकारीरिजल्ट.com, उस पे 2049 वैकेंसी दिखा रहा है। ठीक है भाई, अच्छा बाकी ये सब कॉमन ही है जो हर नोटिफिकेशन में होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बात करूं एग्जाम प्रोसेस की, तो एग्जाम प्रोसेस के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर यहां पे 15 पे। जी ये वो सेंटर्स भी इन्होंने बता दिए हैं जहां पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ये सब सेंटर्स भी बता रखे हैं। जी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, हायर सेकेंडरी ईयर, ग्रेजुएशन है फिर और अब अवेलेबल है। डिटेल सब्जेक्ट वही चारों होंगे, आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है भाई, 25-25 क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी कि ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गया, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपको जो है 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर मेरे दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट उसमें टाइपिंग होगा, डाटा एंट्री होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो जो आपका CBDT 1 है इस 200 नंबर के पेपर के हिसाब से होगा, बट ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, कमीशन के पास राइट है डिफरेंट मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड डिसाइड करने का ईच कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अमंग अदर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट। मतलब हर कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से कमीशन क्वालिफाइंग जो एग्जाम होना है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, इसकी कट ऑफ को बना सकता है। चलो इसके बाद मेरे दोस्त, हाँ जो सिलेबस की अगर हम बात करें, चाहे आपका मैट्रिक लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, सिलेबस लगभग सबका सेम है। फर्क है बस एग्जाम्स के लेवल में, लेवल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है भाई, सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है वो उसी टक्कर का होता है जिस टक्कर का आपका CGL और CHSL का पेपर होता है। उनसे इजी या हल्का है, जैसे हमारे यूपी कांस्टेबल का पेपर होता है उस तरीके के एग्जाम का लेवल आप इसको नहीं समझे। जैसा CGL का Tier 1 और CHSL का Tier 1 होता है, उससे थोड़ा सा बेटर पेपर ही सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम का आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। सारा सिलेबस वही है जनरल जो आप जानते हो, कि SSC के एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। ठीक है जी, ओके। इसमें जो है आपका एडवांस मैथ भी पूछा जाता है अर्थमेटिक के साथ साथ, जितना भी है ना, ट्रायंगल, क्वालिटल, पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, ये सब आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, सब कुछ इसमें आता है एडवांस मैथ का भी। ठीक है जी, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इसमें कुछ नहीं है, से सब कट कॉपी पेस्ट है, जो आपको अदर चीजें चाहिए वही। इसके बाद 100 रुपये इसकी एग्जाम फॉर्म भरने की फीस रहेगी, जो कि SC ST के कैंडिडेट के लिए, और वो फ्री रहेगी, उनको कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा, अब आ जाते सबसे लास्ट में, एक जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो ये हुआ है फोटो का। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पहले फोटो अपना क्लिक करके स्कैन करके वहां पर अपलोड करते थे, अब यहां पे लाइव फोटो अपलोड किया जाएगा। लाइव मतलब आप अपने मोबाइल के फ्रंट वेबकैम कैमरा से, रोशनी होनी चाहिए पीछे से, लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो डर इस बात का है कि जब हम बढ़िया से स्कैन करके फोटो अपलोड करते थे तो इतने सारे फॉर्म्स में रिजेक्ट होते थे, अब लाइव फोटो में तो बहुत सारी गड़बड़ी होगी। हैं भाई, जो लड़कियां वो ऐसे फोटो खिंचाती हैं, लड़कों को भी ऐसे सेल्फी लेने का शौक है, तो सारे फोटो वाले टेढ़े आएंगे लाइव में, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा है। इसलिए लाइव फोटो तमीज में लें, ठीक है ना, ज्यादा स्टाइल मार के फोटो आपको नहीं खिंचवाने हैं। ये फोटो फिल करने वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एक स्टैंडर्ड फोटो है, स्टैंडर्ड फोटो जिसमें आपका फेस भी विजिबल है मेरे दोस्तों, और आपके कान दोनों विजिबल है, चश्मा नहीं पहना है आपने, टोपी नहीं पहनी है,
ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल बैकग्राउंड। उसके बाद मेरे दोस्तों इस नोटिफिकेशन के जो सबसे लास्ट में है ये लिखा हुआ है रीजन, ठीक है, ये लिखा हुआ है पोस्ट नंबर, ये लिखा हुआ है पोस्ट नेम। देखो कौन कौन सी पोस्ट नेम होते हैं, सबसे पहला लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली। अब इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें एज लिमिट है 18 से 25, ये लेवल 2 का एग्जाम है, इसके लिए क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी लेवल है 10+2, ठीक है ना, यानी कि मेरे दोस्तों इसको जिसने 12th कर रखी है वो भी भर सकता है, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी कर सकता है, ग्रेजुएशन करिए तो 12th उसने करी होगी। 18 से 25 साल की एज लिमिट वाला कोई भी बंदा जो है इस पोस्ट को फिल कर सकता है, ठीक है ना, फॉर्म भरते समय। इसकी जो वैकेंसी वो मात्र केवल जनरल कैटेगरी में अवेलेबल है, और किसी कैटेगरी में इसकी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, तो दो वैकेंसी है, इसलिए इसका एग्जाम का नाम सिलेक्शन पोस्ट है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है, बहुत सारी। अब जैसे ये वाली पोस्ट देखिए, इसका रीजन है LWR मेडिकल अटेंडेंट, ये चंडीगढ़ में पोस्ट रहेगी, CGHS चंडीगढ़, वही 18 से 25 इसकी एज लिमिट है, लेवल 1, और इसमें मैट्रिक पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। SC की एक पोस्ट है, OBC की 2 है, जनरल की 3 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 1 है, टोटल 7 वैकेंसी है, ठीक है। तो आपकी क्या एज लिमिट बन रही है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरते समय पोस्ट को क्लिक करना है दोस्त, समझ में आई बात, ओके। मैक्सिमम इसमें मेरे दोस्तों एक आध पोस्ट ऐसी भी है जो 40 की उम्र तक जाते हैं, जनरली जो है वो 18 से 25, या कुछ पोस्ट ऐसी जो 18 से 30 साल तक एज रिक्वायरमेंट मांग रही है। अब ऐसी एक दो पोस्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट दो 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 तीन तीन करके ऐसे मेरे दोस्तों कितने डिपार्टमेंट है, ये लगभग 489 डिपार्टमेंट में, और सभी में लगभग एक एक दो दो पोस्ट हैं। इस हिसाब से कुल मिला के ये लास्ट में 2049 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें 1028 जनरल कैटेगरी की हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए डिटेल में, हालांकि कट कॉपी पेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा चेंज है नहीं। नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, फॉर्म इसका आप अभी से भर सकते हैं। जो बच्चा सिलेक्शन सीजल का पेपर दे सकता है, सीटीएसएल का पेपर दे सकता है, सीपीओ का पेपर दे सकता है, वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी दे सकता है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अगर आप गणित मजबूत करना चाहते हैं, कम समय में गणित पूरा पढ़ के, रिवीजन करके, प्रीवियस ईयर के सवाल की प्रैक्टिस करके एग्जाम में स्कोर फोड़ना चाहते हैं, तो आप कैरिवल एप्लीकेशन पे लाइव बैच ना लेकर रिकॉर्डेड बैच से पढ़ाई करो। रिकॉर्डेड बैच का फायदा यह कि सारे सिलेबस की वीडियोस, अर्थमेटिक की भी, एडवांस की भी, सेपरेट चैप्टर वाइज सिक्वेंस में आपको एक साथ मिल जाती हैं। पर जिस चैप्टर्स में आपको दिक्कत है, जो आपका वीक सेक्शन है, आप उसको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड वे में 2x की स्पीड में एक दिन में कई कई वीडियो निपटा के जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये कैरिबल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, इनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी और विश्वास दिलवाता हूं कि इस बैच को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको ना प्रीवियस ईयर का कोई सवाल लगाने की जरूरत है, ना आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना बैच की क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है कंसेप्ट विद थ्योरी एंड क्वेश्चंस, उतना काफी है, सिवाय आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, बस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के कुछ मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, बस बात खत्म, ठीक है भाई। हालांकि हमें बच्चों इस एग्जाम में थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी वैकेंसी की, चलिए कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट ने दिया है उसी में हमको जो है अब काम चलाना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं SSC से गुजारिश करूंगा कि बच्चे CPO के नोटिफिकेशन का भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, CPO का नोटिफिकेशन भी अब तक आ जाना चाहिए था, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें। बहुत सारे बच्चों को SSC की नई वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, तो नई वेबसाइट ssc.gov.in है, आगे से जितनी भी अपडेट होंगी वो आपको उसी वेबसाइट पे जानने को मिलेंगी। और उससे भी बढ़िया है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी अपडेट अगर आता है वो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है भाई, धन्यवाद। कौन कौन बच्चा सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरेगा, कौन इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, बाय।